रोहतास के नक्सल प्रभावित विश्रामपुर के ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद अपने हाथों में ले लिया है। ग्रामीणों ने कई दफा पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया, इसके बाद भी इन्हें नक्सलियों से धमकी मिल रही है। गांव वालों ने प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए गाँव में पुलिस पिकेट बनाने की मांग की है। पेश है एक रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ये लोग ना तो अपराधी हैं और ना ही यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, बल्कि ये रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित इलाके विश्रामपुर के निवासी हैं। नक्सलियों से अपने गांव की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने खुद हथियार उठा लिए हैं। इन ग्रामीणों ने कई दफा पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया है। अब इन्हें नक्सलियों का खौफ सता रहा है। ये लोग अब सरकार और पुलिस से अपनी सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस पिकेट बनाने की मांग कर रहे हैं। डुमरखार घाटी के बगल में मुलाई नदी है, यहाँ पर पहले आज से साल डेढ़ साल पहले दो साल पहले नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर चलता था और हमने इन का ट्रेनिंग सेंटर पुलिस के साथ मुठभेड़ करके ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर दिया। हम और पुलिस एक साथ ऑपरेशन करते थे इधर, और इधर पड़ता है 27/3/2005 को हमारे साथ मुठभेड़ हुआ, उसमें थिनाटा राइफल और पुलिस थी वर्दी सब मिला था। वो ले जाकर हम लोग ने बड्डी थाना और चिनारी थाना और सिसागर थाना था, ले जाकर हमने बड्डी थाना के अंतर्गत दे दिया। रोहतास के एसपी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं है, इसलिए गाँव में पुलिस पिकेट बनाना मुश्किल है। वहीं उन्होंने गांव वालों को लाइसेंसी हथियार और पूरी सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया है। टिकट रोज भी करना पड़ा है क्योंकि असुरक्षित काफी टिकट ऐसे हैं और इसके थाने भी ऐसे हैं जिसमें अभी तक सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं, किराए के मकान में चल रही है। देखते हुए जो आवश्यक कार्रवाई है संसाधनों के साथ तो क्या लगता है वहाँ पे गाँव वालों की जो डिमांड है लाइसेंस चाहिए, तो क्या उसके लिए क्या लाइसेंस मिलना चाहिए? जो भी लोग कर रहे हैं नक्सलियों से तो लाइसेंस दिए जाने चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने जितने भी प्रस्ताव हमारे पास आए डीएम साहब के यहाँ संख्या करके भेज दिए हैं, तो निश्चित रूप से इनको सुरक्षा देने के लिए हर कदम उठाए। वहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं गुड्डू सिंह जो वहाँ पे गाँव में, तो कह रहे हैं इनको गार्ड चाहिए, तो इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ जितनी बल की आवश्यकता होगी हम लोग देंगे, मतलब तीन चार लोग तो हम भेज नहीं सकते हैं गाँव में, जब जाएंगे तो कम से कम संख्या 40 से कम तो रहेगी नहीं, जो वर्तमान जो संसाधन है उसको देना संभव प्रतीत नहीं। अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरखार, और यही वो इलाका है, हम आपको दिखा सकते हैं कि जो पीछे का जो इलाका है यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर ही नक्सलियों का बेस कैंप है। और अभी जिस वक्त हम खड़ा हैं ये भी पहले नक्सलियों का बेस कैंप होता हुआ करता था, यहाँ नक्सली ट्रेनिंग हुआ करती थी। लेकिन जो विश्रामपुर के जो गाँव वाले हैं, गाँव वालों ने नक्सलियों से लोहा लिया, नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ दिया, साथ ही साथ पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन में भी गाँव वालों ने हिस्सा लिया और कई इनामी नक्सलियों पकड़वाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद बता दें कि यहाँ जो गांव वाले हैं आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि गांव वाले ने कई नक्सलियों को पकड़वाया है और जो ट्रेनिंग कैंप जो यहाँ चल रही थी इसको भी हटवाया था, जिसकी वजह से नक्सली जो है हमेशा गाँव वालों को धमकी दिया करते हैं और गाँव वालों पर कभी भी नक्सली हमला हो सकता है। और ये अगर सरकार अभी ध्यान नहीं दी तो कभी भी एक बहुत बड़ा नरसंहार यहाँ हो सकता है। लेकिन फिलहाल गाँव वाले भी अपने सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हैं, गांव वालों ने भी लाइसेंसी हथियार रखे हैं और दो दो हाथ करने के लिए नक्सलियों से हिम्मत इनके पास बहुत काफी है। और ये अक्सर रात में गांव वाले जो है अपने गांव की सुरक्षा करते हैं। उसके अलावा गांव वालों का जो डिमांड है पुलिस से कि यहाँ पुलिस पिकेट की डिमांड की है कि यहाँ पुलिस पिकेट बनाया जाए, साथ ही साथ गाँव वालों के जो है लाइसेंसी हथियार दिया जाए। इस बारे में रोहतास की एसपी जो विकास वैभव है उनका कहना है कि हमारे पास सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसलिए यहाँ पे पुलिस टिकट बनाना असंभव है। हाँ, लेकिन जो दूसरी डिमांड है वहाँ गांव वालों का जो कहना है कि लाइसेंसी हथियार दिया जाए, तो इसके बारे में काम चल रहा है, डीएम ने भी सत्यापन कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं। विकास वैभव का कहना है कि जल्द से जल्द गांव वालों को लाइसेंसी हथियार मिल जाएंगे। संजय कुमार चौधरी और विकास के साथ मैं तारिक महमूद, रफ्तार न्यूज।